हेलो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले शक्ति पंप्स के बारे में। कंपनी वाटर पंप्स बनाती है और कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट सोलर पावर्ड वाटर पंप्स है। शुरू करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, कंपनी का रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 382 करोड़ था और इस साल वो बढ़कर 929 करोड़ हो गए। तो जंप ऑफ मोर देन 100%। प्रॉफिट अगर आप देखें तो -14 करोड़ से 75 करोड़। दिस ईयर 75 करोड़, लास्ट ईयर था -14 करोड़। तो आप देख सकते हो जो डिफरेंस है कंपनी के परफॉर्मेंस में, एक टर्न अराउंड आ रहा है। तो ये कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल से क्लियर हो जाते हैं। और एक बात, ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट है वो कंपोनेंट 16 करोड़ है। तो इससे हमको ये अंदाजा आता है कि कंपनी का डेट लेवल भी कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल है, बहुत ज्यादा है नहीं। और कंपनी के ग्रोथ को जब देखा जाए तो ये डेट लेवल डेफिनेटली सस्टेनेबल है, इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। डेट लेवल देखना जरूरी है क्योंकि कंपनी थोड़ा कैपिटल गुड्स सेगमेंट में आता है, तो इसके लिए डेट लेवल कैपिटल गुड्स में हमेशा देख लेना चाहिए एक बार कि डेट रिडन कंपनी तो नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए काफी खर्चा लगता है। इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज डेट के ऊपर रिलाय करते हैं। और एक फाइनेंशियल पैरामीटर ही मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, इनके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो अराउंड 265 करोड़ है इस साल। लास्ट ईयर वो थे 125 करोड़ के आसपास, इस साल 265 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल है। मतलब जो पैसा आने वाला है कस्टमर से या जो भी इनके इनसे जिनका डीलिंग चलता है, 265 करोड़ ये आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में एक्सपेक्ट कर रहे। ये पोजीशन है 31 मार्च 2021 का, 265 करोड़ रिसीवेबल। एज अगेंस्ट दिस, आप ये दूसरे पिक्चर में देख सकते हो कि इनका ट्रेड पेएबल जो है वो तकरीबन 165 करोड़ है। तो 265 करोड़ रिसीवेबल और 165 करोड़ पेएबल, मतलब आने वाला दो 265 है और इनको भरने जो पैसे है वो 165 है। तो 100 करोड़ का यहाँ पे गैप है। सो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का काफी साउंड है, ये करंट असेट्स में ऐड हो जाएगा 100 करोड़। सो कंपनीज हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एक काफी अच्छा फिलहाल तो दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते थोड़ा फंडामेंटल्स की बात करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू इंडियन मार्केट से, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है, बट कंपनी का एक स्मॉल कंपोनेंट तकरीबन 10 से 12% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट यानी ओवरसीज मार्केट से आता है। अब ये कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में और कई सारे डिस्क्लोजर्स में ये कहा है कि वो एक्सपोर्ट मार्केट को एंड इन पर्टिकुलरली अफ्रीकन मार्केट को टारगेट करने वाले है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में। रिसेंटली कंपनी को युगांडा गवर्नमेंट से भी या युगांडा कंट्री से एक ऑर्डर मिला है सोलर पंप्स का। तो इनका कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोर्ट मार्केट है ये अब तक ओपन अप होना बाकी है। तो ग्रोथ के चांसेस ये कंपनी के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में भी बहुत है। और अभी थोड़ा अपने डोमेस्टिक इंडियन सिनेरियो की बात करते, गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक कुसुम योजना करके लॉन्च एक स्कीम लॉन्च की थी। ये रहा उसका थोड़ा ब्रीफ डिटेल। एज यू कैन सी, कुसुम स्टैंड फॉर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म इज कुसुम। नाउ ये जो स्कीम है इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर वाटर पंप्स। सोलर पावर्ड वाटर पंप्स किसानों को अवेलेबल कैसे किए जाए, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। और सोलर पावर्ड वाटर पंप्स अवेलेबल करना ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 34,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किए थे कुछ साल पहले। और स्कीम
2022 तक है, इसके आगे डेफिनेटली एक्सटेंड होने ही वाला है, क्योंकि अभी एग्रीकल्चरल सपोर्ट ये एक क्रिटिकल एलिमेंट है गवर्नमेंट के लिए भी और ये देश के लिए भी। और एक बात, जो अपना देश है या जो अपना एक सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको हम लोग डिस्कॉम्स कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और आपने सुना होगा, कहा आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा कि ये जो डिस्कॉम कंपनीज है इनका फाइनेंशियल हेल्थ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और इनके अपने ही एक अलग प्रॉब्लम है, एक तो सीधा सीधा प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो चोरी होता है वो एक इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सिडी को लेकर भी काफी प्रॉब्लम, सब्सिडी मतलब सब्सिडी गवर्नमेंट को देना है पर वो टारगेटेड चाहिए, जिसको सब्सिडी पहुंचना चाहिए उनको उस पैमाने पे सब्सिडी पहुंच नहीं रहे, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा है काफी सालों से। तो गवर्नमेंट और एक ओवरऑल आपने सिनेरियो देखा तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि ये जो पावर जनरेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसको डिसेंट्रलाइज कर देना। पावर जनरेशन अगर डिसेंट्रलाइज हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे किसान को अपने खेत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पंप चलाने का अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन और वो चोरी का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस अब ये सोलर पावर्ड वाटर पंप्स के ऊपर काफी ज्यादा है और ये एक्सक्लूसिवली एक स्कीम लॉन्च किया है। एग्रीकल्चर ही अपने इंडिया में स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब ये जो राज्य सरकार है ये इसके कंट्रोल में ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट डिवाइड किए गए तो उसमें एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक लॉन्च किया था योजना जो कि ये सोलर पावर पंप्स के लिए था। इस वजह से आप देख सकते हो कि ये मैंने एनुअल रिपोर्ट से निकाला हुआ एक डेटा है, इसमें आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ ये स्टेट में काफी सोलर पावर पंप्स इंस्टॉल किए गए, क्योंकि वो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है ये इनिशिएटिव को। और ये बाकी के स्टेट्स का भी डेटा आपके सामने है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी की और एक बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का। इसके अलावा ये जो मैकेनिज्म है सोलर पावर्ड वाटर पंप, ये किसान के लिए भी काफी यूजफुल है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है ये किसान के लिए 24 घंटा होता नहीं है, कभी 3 घंटा होता है, कभी 4 घंटा होता है, कभी 10 घंटा होता है, कभी चाहिए तभी होता नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व अगर करना है तो ये एक सोलर पावर वाटर पंप ये एक काफी उसका वायबल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। और एक बात, इंडिया में सोलर एनर्जी का कोई कमी नहीं है, अपना ट्रॉपिकल रीजन का कंट्री है, मानसून के कुछ महीने और उसमें से भी कुछ दिन ये वाटर, ये जो सोलर एनर्जी अवेलेबिलिटी का इश्यू है, अदरवाइज सोलर पावर अवेलेबल है कंट्री में हर जगह। तो वो इशू यहाँ पे पहले ही सॉल्व हो जाता है कि अवेलेबिलिटी सोलर सनलाइट का वो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं, इस वजह से ये मार्केट इंटैक्ट है। अफ्रीका में भी सोलर सनलाइट इज अवेल, सनलाइट अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, वो वहाँ पे 12 महीने में से मेरे ख्याल से 10-11 महीने इजीली अवेलेबल है, तो उसलिए वो भी वहाँ पे इशू नहीं। ये इनका एक मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है इसलिए मैंने बताया। आगे जाकर ये कंपनी को ये कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में इनके डिस्कस किए है कि ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने IIT दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से टाई अप किया है ताकि ये मोटर पंप्स और पावर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी में और इफिशेंसी अपना बढ़ा सके। और कंपनी का ये भी कहना है कि अगर ये प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली किसानों को अवेलेबल होते हैं, या ये प्रोडक्ट सिर्फ क्या एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए नहीं है, इसका एप्लीकेशन कहीं भी हो सकता है। सोलर पावर्ड वाटर पंप्स कैन बी यूज एनीवेयर, इंडस्ट्री में हो, इरिगेशन के लिए हो, एग्रीकल्चर में हो, किसी डोमेस्टिक यूज के लिए हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कहीं भी यूज हो सकता है। पर ये जो इम्पोर्टेड चाइनीज वाटर पंप्स है इससे छुटकारा मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है
अगर ये कंपनी का ये दावा है कि अगर ये अच्छे से अवेलेबल कर दिए जाए इंडिया में, तो लोगों को इम्पोर्टेड चाइनीज फॉर्म्स के ऊपर रिलाय रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था ब्रीफ डिस्कशन शक्ति पंप्स के बारे में, शक्ति पंप्स का फंडामेंटल एनालिसिस। डिस्क्लोजर में देना चाहूंगा कि मैं खुद पर्सनली ये कंपनी के शेयर होल्ड करता हूँ। आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, समझिए, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आप खुद कीजिए। डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो और आप अपना खुद का जजमेंट लीजिए। इसके आगे वीडियोस जो है ये चैनल पे दो लैंग्वेजेस में बनेंगे, एक हिंदी में बनेगा और एक इंग्लिश में बनेगा। आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसका वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा चैनल पे। आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मैंने लिखा होगा कि ये वीडियो हिंदी में है और इंग्लिश की जगह इंग्लिश लिखा रहेगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और जिनको ये स्टॉक मार्केट्स और कंपनी के एनालिसिस में इंटरेस्ट है उनसे भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आने वाले इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।